सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, यार यही हूँ मैं, KTZH ऑल टेक। सो गाइस, अब मेरे को नहीं पता कि आप लोग ने मेरे फेस को लेकर क्या क्या एक्सपेक्ट किया था, बट या गाइस, यही मेरा रियल फेस है। एंड गाइस, मेरे को पता है अभी आप में से कुछ लोगों को मेरा फेस पसंद आ रहा होगा एंड कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा, बट गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि 10 billion% है कि गाइस आप लोगों को मेरा फेस मेरी 10 वीडियोस के बाद अपने आप पसंद आने लग जाएगा। क्योंकि गाइस वो भले ही बड़े से बड़ा यूट्यूबर अच्छा सा अच्छा दिख रहा हो एंड वो लेट फेस कैम करे, तो गाइस वो ऐसा ही दिखेगा जैसा अभी आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं फेस कैम लेट क्यों किया। तो गाइस, इसके 3 रीज़न थे कि मैं फेस कैम लेट कर रहा था। फर्स्ट, मेरा सेटअप बन रहा था। एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सेटअप में क्यों नहीं हूँ, मेरे को पता है ये चीज़। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, वो रीज़न में आएगा, ठीक है। तो जो सेकंड रीज़न था वो थी लाइटिंग। तो गाइस, मैं सेटअप बनाने में बिजी हो गया था एंड मेरे को ये नहीं पता था कि कैमरा के साथ साथ एक लाइटिंग अच्छी रहना भी ज़रूरी है। तो मैं कैमरा तो ले आया बट लाइटिंग का क्या करें, तो लाइटिंग के बारे में मेरे को ध्यान ही नहीं आया। कल मेरे को पता चला कि लाइटिंग भी रहना ज़रूरी है, पर मेरे को 31 को वीडियो डालनी ही थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फेस रिवील कर रहा हूँ। एंड जो गाइस हमारा थर्ड पॉइंट है वो कि मेरे हेयर अच्छे नहीं थे। जी हाँ, अभी मैं बीच में मेरे को अपने बाल छोटे करवाने नहीं पड़े थे, मेरे को पूरा बाला बाला होना पड़ा था, मीन्स टखनू होना पड़ा था मेरे को। इसी के कारण मेरे बाल भी अच्छे नहीं थे, इसीलिए गाइस मैं रुका था। एंड नहीं तो मैं 100 के वाली वीडियो जो मेरी ये वाली Q&A थी उसी पे मैं फेस रिवील कर देता, बट समझ सकते हो फिर। एंड तो गाइस, मैं फेस कैम में उतना ज़्यादा प्रोफेशनल तो नहीं हूँ एंड मेरे को ज़्यादा कुछ आइडिया भी नहीं है कि फेस रिवील कैसे किया जाता है। तो अगर मेरे से कुछ भी मिस्टेक होती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना और मेरे को माफ़ कर देना। तो ये तो है स्पेशल वीडियो, तो चलो इसके साथ साथ एक छोटा सा Q&A भी कर लेते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये है कि भैया क्या आप स्कूल पे हो? हाँ जी मैं स्कूल पे हूँ। हो तो कौन सी क्लास पे हो? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हूँ 11th क्लास में। एंड गाइस, जो मेरी एज है वो है 16। एंड पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब एक साथ कैसे करते हो, ये सबसे सही क्वेश्चन था। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी वीडियोस लेट हो जाती है, तो गाइस वो इसी के कारण लेट होती है, क्योंकि गाइस मेरे को पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब भी देखना पड़ता है इसीलिए। तो या इसीलिए मेरी वीडियोस लेट होती है, एडिटिंग में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसीलिए। एंड बाकी के लिए थैंक यू सो मच आपका। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये है कि भाई थोड़ी अपनी लाइफ स्टोरी बताओ कि आप किस मुश्किलों से यूट्यूबर बने हो, वो स्टोरी बताओ प्लीज़, एंड इसमें हम लोग को मोटिवेशन मिलेगी। ओके, तो मैं अपने चैनल के आप लोगों को एकदम शुरू से आखिरी तक के बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या क्या था, ठीक है। तो गाइस, पहले मैं 2017 में मेरा गेमिंग का चैनल था एंड मैं उसमें ये बताता था कि गेम्स डाउनलोड कैसे करते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे पेड रहते थे उसको मैं फ्री में बताता था। एंड गाइस, उसके बाद मैं ऐसे ही वीडियो डालता गया एंड आया 2020। जी हाँ गाइस, जब हम लोग का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो शिनचैन की मूवी थी लेजेंड कॉल्ड डांस अमीगो, उसको सब भयानक आत्मा बोलते थे। जी हाँ, तो मैंने वाली मूवी ऑलरेडी देख रखी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए कि ये रियल में है कौन सी मूवी एंड इस मूवी के बारे में भी। तो मैंने उस पर एक फैक्ट वीडियो डाली। एंड हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, जो KTZH ऑल टेक यूट्यूब चैनल है उसी पे ही इस मूवी के बारे में पहली वीडियो डाली गई थी, स्टोरी लाइन भी और फैक्ट वीडियो भी। जी हाँ, यानी कि KTZH ऑल टेक चैनल के ही वजह से पता चल पाया था ज़्यादातर लोगों को कि शिनचैन द मूवी लेजेंड कॉल्ड डांस अमीगो नाम की भी एक मूवी है। एंड गाइस, उसके बाद ये वाली वीडियो वायरल हो गई एंड वायरल होने के बाद उसमें मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आने लग गए कि भाई प्लीज़ इस मूवी के बारे में और कुछ बताओ, शिनचैन की और भी मूवीज़ के बारे में बताओ। एंड गाइस, उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला आप लोगों का, उसके लिए गाइस थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही हमारे चैनल की स्टार्टिंग हुई थी। तो गाइस, आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हुआ था आखिर। तो गाइस, जो KTZH ऑल टेक यूट्यूब चैनल है वो 100K तक पहुंच पाया है, वो अकेले मेरी मेहनत नहीं थी, मेरे साथ साथ एक और मेरे चैनल में एक मैनेजर है जिसका नाम प्रखर है, उसके वजह से भी हमारा चैनल यहां तक के पहुंच पाया है। जी हां गाइस, वो हमारे चैनल का मैनेजर है, मैं उसको कभी भी क्रेडिट नहीं देता बट इसी वीडियो पे दे रहा हूं। एंड गाइस, अगर आप लोग नहीं होते तो हमारा KTZH ऑल टेक भी 100K तक नहीं पहुंच पाता, तो उसके लिए गाइस आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू।
तो गाइस मेरे को पता है इस Q&A में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए थे क्योंकि गाइस मैं बहुत नर्वस था फेस कैम के लिए एंड इसी पे हम लोग को 9 घंटे लग गए ये वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाया, बट गाइस अगेन Q&A करेंगे एंड उसमें मैं आप सभी के क्वेश्चन लूँगा। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो पर भी जितने क्वेश्चन होंगे सब कमेंट कर देना क्योंकि बहुत जल्द हमारा Q&A का Part 4 आने वाला है। सो गाइस प्लीज़ क्वेश्चन कर देना एंड प्लीज़ जो भी मेरे से मिस्टेक हुई होगी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। एंड चेहरा मेरे को अभी भी पता है आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा, बट आगे की वीडियोस में देखते देखते आप लोगों को मेरा चेहरा पसंद आ जाएगा। सो चैनल को प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करना। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी सो गाइस प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो एंड और भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो, ऐसी ही वीडियोस नहीं और दूसरी वीडियोस आती हैं बट ये Q&A ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लोग इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। जी हाँ गाइस ओनली एक क्लिक लगेगा एंड चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जो उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना क्योंकि गाइस मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। भले मैं होम में नहीं हूँ पर स्टे होम स्टे सेफ। मिलते हैं मेरे ब्रांड न्यू वीडियो में।